मुझे ऐसा लग रहा है दिन प्रतिदिन मेरे ऑर्डर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आज होने वाली है बहुत ही सुंदर प्यारी हील सैंडल्स 14 पेयर है गाइस, बहुत टाइम लगेगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मीशो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आई नो आपको मीशो सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, मुझे भी आप लोगों के लिए बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था मेरी पुरानी वीडियोस में कि आपको हील्स वाली भी कुछ वीडियोस चाहिए कि हील्स वाला रिव्यू करो, सैंडल हॉल हील्स हॉल, तो मैं वो ले आई हूँ आपके लिए। मैंने थोड़े दिन पहले निकाला था स्नीकर्स का, वो भी आपको अच्छा लगा था। उसके बाद मैंने निकाला था एथनिक फ्लैट्स जूती वगैरह। इस बार जो है ना, इस बार पूरा लाइक वेस्टर्न हील्स और बेलीज पम्प पीप टोस ये सब होने वाला है। जितने भी बेस्ट बेस्ट ट्रेंडी ऑप्शंस थे मीशो पे और जो आजकल चल रहे हैं, मैंने वो लिए हैं इस बार। और अगेन मैंने गोता मारा है बहुत ही वाइड वैरायटी में, 14 पेयर्स हैं। लकीली इस बार जो 14 के 14 मैंने ऑर्डर करे थे वो आ गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना आया हो। तो ये पूरी 14 की 14 वैरायटी रेंज फिट लुक स्टाइल कम्फर्ट सब मैं आपको बताऊँगी। एंड मेरा साइज़ 5 है, पहली बता देती हूँ, तो मैंने 5 ही ऑर्डर करा है। और एक और चीज़, बहुत पहले आएगा, सब इस बात को एक साल होने वाला होगा, मैंने बहुत पहले 4-5 हील्स का रिव्यू करा था अपने ही इसी चैनल पे, मीशो हील्स का हॉल किया था। उसमें क्या था, स्टार्टिंग में जब मैंने सारी हील्स पहनी तो मैंने सबको अप्रूव करा था, सब अच्छी थी। लेकिन जब विद टाइम मैंने उनको यूज़ किया लाइक अपने फ़ोटोशूट में यहाँ वहाँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइक वो ऐसी हील्स हैं, लाइक आपका पैर उस पर है तो वो इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे पीछे से शेक होता है, आप जैसे ही पैर रखते हो वो यूँ शेक होती है। मतलब वो जस्ट फॉर फोटोशूट के लिए है, आप उसमें चल नहीं पाओगे और कोई भी मतलब ड्यूरेबल नहीं है वो उस हील्स। वो अभी भी मेरे पास रखी हैं लेकिन आधी तो किसी के ऐसे स्टेप निकल गए हैं, पीछे से खुल गई है, ओवरऑल वेस्ट ही गई हैं। तो जो जितनी पेंसिल हील्स थी ना, तो मैंने उनको अवॉइड करा है। फिर भी मैंने 1-2 आप लोगों के लिए मंगवाई, लेकिन मैंने खुद से वो अवॉइड करा क्योंकि मुझे पता है वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, पहन में नहीं पाऊँगी। और उनके रिव्यूज़ कैसे थे वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो मतलब मुझे था जो हील्स हम चले भी, हमें हाइट भी मिले, अच्छी भी लगे, तो मैंने वो सारी ऑर्डर्स की हैं, ऑर्डर की हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। लो भाई, सबसे पहली जो फुटवेयर मेरे हाथ में आता है वो पेंसिल हील की मैं बात करी थी, पेंसिल हील ही आती है। पहले आप पिक्चर देखो, यह कलर देखो कितना ज़्यादा ट्रेंडी है, और इसके जो कलर ऑप्शंस है ना, ऑरेंज ग्रीन पिंक ब्लैक, कितने ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं। मतलब आजकल ना ये राइनस्टोन वाले फुटवेयर्स बहुत ज़्यादा इन है, एंड नियॉन कलर्स के साथ राइनस्टोन्स बहुत ज़्यादा इन है। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, मेरा मन नहीं था लेने का क्योंकि मुझे पता था पेंसिल हील क्या होने वाला है, लेकिन मैंने फिर भी इसको ट्राई करा। इग्नोर, मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। इस फुटवेयर का नाम है ग्रिपेक्स फुटवेयर पीप टोज हील्स फॉर वुमेन सेक्सी स्ट्रैपी हाई हील्स। ये मुझे 778 रुपीज़ की मिली है, मैंने साइज़ 5 मंगवाया था, लेकिन अभी अगर हम डब्बे में देखें तो यहाँ पे साइज़ 8 लिखा हुआ है, साइज़ 8। देखते हैं कि कैसी रहती है ये। तो चलो पहले आपको दिखाती हूँ फिर पहन के दिखाऊँगी। डब्बा बहुत सही है, पैकेजिंग बहुत ठीक आई है। ज़रा आप एक बार ये कलर देखो, ये साटन ऑरेंज कलर की ये हील कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। बैक से देखो, साइज़ 38 ही दिया है, वो डब्बे पे 8 लिखा हुआ है। आप फ्रंट देख सकते हो, बहुत इसकी पेस्टिंग इतनी नीट एंड क्लीन हो रखी है ना कि मतलब कहीं से लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये हाई हील्स 800 रुपये के हिसाब से आपको मिल रहे हैं। राइनस्टोन्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो फेक चमकीली नहीं चिपकी हुई, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। यहाँ पे अगर आप देखो इस चीज़ में, ये काफ़ी अच्छा सा कुशन टाइप का है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो अगर आप समझ पा रहे हो। और हील भी अभी तो बिल्कुल अच्छे से फिक्स है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उतना मूव होगी। एंड ये बो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है। अब मैं जल्दी से पहन के इसका रिव्यू दे देती हूँ आपको कि मतलब कैसी है ये पहनने में, कितना कम्फर्ट है। तो चलो चलते हैं, इसको वेयर करते हैं। जिस चीज़ का डर था वो यू, अगर आप देखो तो मैंने इसे पैर रखा है तो ये चीज़ जैसे हिल रही है ना, देखो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बनेगी। मतलब मेरे तो बहुत ऐसे ऐसे पैर हिलते हैं, भले कितने भी कंफर्टेबल आप, मैं चल रही हूँ, मैं स्ट्रेट चल रही हूँ, लेकिन जहाँ मैं यूँ खड़ी हुई ये ऐसे पैर शेक शेक करेगा। एक तो मैंने इतनी वाइट जीन्स पहनी है, पता नहीं मैं कैसे पूरा अच्छे से शोकेस करूँगी। सुंदर बहुत लग रही है, बो का स्टाइल, राइनस्टोन का स्टाइल। फ्रंट में जो आ गई है ऑरेंज आपको दिख रहा है, वो बहुत सुंदर लग रही है। फ्रंट बिल्कुल फ्लैट है,
पीछे हील है देखने में बिल्कुल कॉपी कराएगी, अच्छी ब्रांडेड हील ये होगी, लेकिन ये जो इसका शेकीपन है ना, ये इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को कि मैं इसको लिटरली नहीं रखूँगी, मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ोटोशूट में भी मैं इसको अच्छे से वियर नहीं कर पाऊँगी। बाकी अगर स्टिल आप इस हिलने वाली चीज़ को मैनेज कर सकते हो तो आप देख सकते हो, लेकिन जब तक मेरे हिसाब से हील बिल्कुल परफेक्ट ना हो ना ऐसी, तो मैं बाहर पहन के तो बिल्कुल नहीं जा सकती। सो मतलब मेरी तरफ से तो इससे पहले वाली हील रिजेक्ट है। यही होता है जब रील दिमाग में घुसी भी हो ना, हील रिजेक्ट है, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो लुक वाइज है, लुक देख के अगर आपको लेना ले लो, कंफर्टेबल नहीं है। मेरा आगे से पैर बहुत चौड़ा है तो बहुत दब रहा था। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, वो है स्टाइलिश वुमेन ब्लैक हील सैंडल। देखो ज़रा इसको, ये ऐसी वाली कितनी ज़्यादा चल रही है ना, कि आगे से पंप होता है, पीछे से ओपन होता है, एंड आगे कुछ ना कुछ बड़ा राइनस्टोन वाला मटेरियल लगा होता है। मेरे पास खुद भी है ये ऐसी दो, ज़ारा और एक मैंने दूसरे ब्रांड की ली हुई है। यहाँ मुझे देखी पिक्चर में बहुत सुंदर लग रही है, लेट्स सी इसका कैसा मटेरियल आता है। 700 रुपये की है, 694 मतलब 700 रुपये मान लो, और 5 नंबर मैंने साइज़ मंगाया है। थोड़ा वो वेलवेट टाइप वाला इसका मटीरियल है, हील लेंथ आप देख सकते हो, और ये फ्रंट में अच्छे से बहुत प्यारी वाली वी शेप नहीं है। पेस्टिंग वगैरह आप देख सकते हो कैसी लग रही है, सी पास से देखो, ये इसका लुक है। कुछ गिरा, एक नग गिरा है, शायद वो एक्स्ट्रा ही है। नहीं, इसमें से निकला हुआ है एक में से, अगर आपको शायद दिख पाए, एक नहीं दो दो निकले हुए हैं। बहुत ज़्यादा जूम किया जाए कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख जाए कि यहाँ और यहाँ दो जगह इसमें ये क्रिस्टल वाला नग नहीं है, ये निकला हुआ है मेरे हाथ में। अरे यार ऐसे तो ये निकल ही जाएंगे। चलो फिर भी दोनों को वियर करके बताती हूँ कितनी कंफर्टेबल है। ये 37 है, मुझे शायद थोड़ी छोटी आएगी, वियर करते हैं। हाँ मैंने ऐसे करा और इसमें से एक और चीज़ गिरी, ये तो बहुत ही चिपड़ है। फिर वियर करते हैं, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस। इसकी ना हील ज़रा भी हिल नहीं रही है, बहुत सही है इसकी हील की अगर बात की जाए तो। लुक भी आप इसका देख सकते हो, फ्रंट में इसका लुक बिल्कुल सही लग रहा है, ये राइनस्टोन चिपके हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ड्रॉबैक ये है कि इसके राइनस्टोन फॉल हो रहे हैं। हील भी बहुत ज़्यादा ऊँची नहीं है, आप देख सकते हो, कम्फर्टेबल तो है, साइज़ भी बिल्कुल फिट आ रहा, थोड़ा छोटा ही आ रहा है, 37 है, मुझे 38 आता है। ओवरऑल ठीक ठाक है, प्राइस देखा जाए तो 700 रुपये के हिसाब से मुझे महंगी लग रही है। उन्होंने राइनस्टोन के ही पैसे बनाए हैं और राइनस्टोन तो निकल रहे हैं, बाकी अप टू यू गाइस, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, नेक्स्ट जो हमारी हील है वो है ट्रांसपेरेंट डेकोर वुमेन हील। 620 रुपये की हील है, आप देख सकते हो ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न वाली है हील है। मुझे ज़्यादा होप बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैंने ऑर्डर की हैं आप लोगों के लिए तो दिखाती हूँ। इसका ये जो आगे ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है, इसमें सिल्वर ऐसी लाइनिंग हुई हुई है, सिल्वर ही इसका बेस है। बैक से आप देख सकते हो 38 साइज़ है, और ये कुशन बिल्कुल भी नहीं है, बस देखने में लग रहा है। हील पेस्टिंग काफ़ी अच्छे से हुई हुई है, अगर आप पास से देखो तो उसमें एक नेल लगी हुई है, एक कील लगी हुई है जो क्लियर बीच में से आपको दिखेगी भी, बीच में काला सा ऊपर आपको दिखेगा, वो कील लगी हुई है इसमें। बाकी पेस्टिंग वगैरह आप यहाँ से देखो ठीक ठाक है पेस्टिंग, लेकिन पता नहीं कितने ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चले। मैं फटाफट वियर करके बताती हूँ कितनी क्या कंफर्टेबल है और कैसी लग रही है गाइस। अभी मैंने इस चप्पल को पहन के मैं चली थी टाइल के ऊपर, तो ये आगे से बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, कोई भी ना इसमें ग्रिप नहीं है। हील की बात की जाए तो हील बहुत कंफर्टेबल है, पैर बिल्कुल भी शेकी नहीं हो रहा। मुझे लगता है इतनी लेंथ की जो हील होती है वो कंफर्टेबल होती है, उसमें बिल्कुल भी पैर शेकी नहीं होता। बाकी आप देख सकते हो इसका लुक कैसा लग रहा है, फिट बिल्कुल ठीक आया है मुझे। आगे ये जो सिल्वर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस ये स्लिपरी वाली थोड़ी इशू है कि अगर हम किसी मॉल में हैं या किसी पब बार में है और वहाँ हमने इसको पहना तो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं है, ये ऐसे बिल्कुल स्लिप हो जाएगी, जो मुझे एक इसका ड्रॉबैक लगा। वरना आप इसका पूरा लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है, हील लेंथ भी काफ़ी सही है, ट्रांसपेरेंट सिल्वर कलर में, और कोई कमी नहीं है, बस मुझे एक ही कमी इसमें फील हुई। चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। जो नेक्स्ट हमारी हील है वो है विमेंस बेज कलर हील्स। 600 रुपये की ये हील है। आजकल ऐसी हील बहुत चली ना, आगे और पीछे एक स्ट्रैप होता है राइनस्टोन वाला, वो ये हील है और बेज कलर की है।
साइज़ 38 है आपकी हील देखो, ऐसे देखने में कितनी ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट लगी है इसकी हील, इसकी पेस्टिंग कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप इसके राइनस्टोन्स भी देखो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दो कलर में अवेलेबल है, ब्लैक और बेज कलर, मैंने बेज मंगवाया है। लेट्स सी अब देखती हूँ कितनी कम्फर्टेबल है, क्योंकि जहाँ इतनी ऊँची हील आई ना शेकी शेकी वाला चीज़ हो जाएगा। वियर करके देखती हूँ। बाकी ये राइनस्टोन की क्वालिटी और ये स्ट्रैप्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पेस्टिंग भी काफ़ी ठीक लग रही है। रेट के अकॉर्डिंग वियर करके बताती हूँ। गाइस जिनके भी पैर मेरे जैसे चौड़े हैं ना उनको ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये शेकी शेकी उमर शेकी शेकी इतनी शेकी हील है ये, आगे से ना पैर चौड़ा है ना आगे जा रहा है और पीछे से यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है। जिनके पतले सुंदर पैर है कृपया वही चप्पल को ले, जिनके मेरे जैसे चौड़े पैर हैं बिल्कुल ना ले। एंड ये देख के लें भाई, ये बहुत बुरा लगता है आप चल रहे हो और ऐसे हिल रही है। तो बाकी आप देख सकते हो लुक वाइज अगर आपको पसंद आ रही है देख सकते हो। एंड अगेन मेरी तरफ से तो ना है, ये बहुत बड़ा रीज़न है हील्स का। तो अब इग्नो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज नेक्स्ट जो हमारी हील है ना वो है पम्प्स। मुझे पर्सनली पम्प्स बहुत पसंद है, वुमेन मल्टीकलर हील सैंडल। ये 486 मतलब 500 रुपये की ये है। और ऑर्डर करने के बाद जब मुझे रिसीव हुई तब मुझे इसका ब्रांड पता चला। अगर आप मिंत्रा यूज़ करते हो तो आपने ये वाले ब्रांड की बहुत सारी चप्पलें देखी होंगी मिंत्रा पे, और काफ़ी सस्ती भी है। मुझे नहीं पता इसको प्रॉपर प्रोनाउंस क्या करते हैं, शूटोपिया, लेकिन इस ब्रांड की काफ़ी सारी हील्स आपको मिल जाएंगी अमेज़ॉन पे, ओ मिंत्रा पे बहुत सारी। जो सबसे सस्ती वाली चप्पलें होंगी ना वो इसी ब्रांड की होंगी। मैंने जब ऑर्डर किया तो मुझे ये पिक्चर शो रही थी, इसमें काफ़ी सारी वेराइटी थी। मैंने दो सैंडल ऑर्डर की तो दोनों मुझे एक साथ एक पैकेट में रिसीव हुई हैं, तो वो ये ब्रांड की चप्पल है। और मैंने जब इसको मिंत्रा पे भी चेक करा तो मिंत्रा पे 50-70 रुपये ज़्यादा ही थी, यहाँ पे थोड़े कम रेट की थी। यहाँ पे 19% ऑफ पे मैंने ली हैं, वहाँ ये 600 की थी, यहाँ ये मुझे 486 रुपीज़ की पड़ी हैं। चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ हैं कैसी। मैं पर्सनली इस तरीके की सैंडल्स फुटवेयर्स पहनना बहुत पसंद करती हूँ, कि आगे से आपके पैर पूरे बंद हो जाते हैं, कुछ भी पहनो तो सैंडल का लुक बहुत अच्छा आता है। प्लस पॉइंट इसमें ना बहुत ज़्यादा हील है ना बहुत कम हील है, ये बहुत कंफर्टेबल रहती है अगर आपको कहीं वॉक करना है। एंड इजी टू वियर रहती है, पहना बस इसको ऊपर कर लो, बार बार इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो ये मैंने तीन कलर का है, इसके जो कॉम्बो काफ़ी क्यूट लग रहा है पेस्टल कलर्स का, पेस्टिंग भी काफ़ी सही हुई हुई है और काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। मीशो पे मिल रही है, मिंत्रा पे भी आपको ये सेम आर्टिकल मिल ही जाएगा। बाकी मैं आपको वियर करके बताती हूँ। मेरे पास इस ब्रांड की एक और एक हील है, फुटवेयर है, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, तो मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ कैसा ये है। मैंने आपको बोला ही था ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस ब्रांड की। मेरे पास ऑलरेडी सेम पैटर्न की एक हील है, सैंडल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, कम्फर्टेबल है, हील भी बहुत अच्छी है, मतलब हील बहुत अच्छी है, क्योंकि ना ज़्यादा ऊँची है ना ज़्यादा छोटी है, और शेकी बिल्कुल भी नहीं है, और कंफर्टेबल तो है ही। आप इसका लुक देख सकते हो, फिट देख सकते हो, इसकी आप पेस्टिंग देख सकते हो, पास से काफ़ी सही इसकी पेस्टिंग है। ये ब्रांड काफ़ी सही है, अगर आपको मीशो से नहीं लेना, मीशो पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप ये सेम मिंत्रा से भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मुझे काफ़ी ठीक लगी है, मैं इसके साथ की नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो इसके साथ का पेयर है वो है ये, एग्जैक्टली सेम है। मुझे पिक्चर में समझ नहीं आता कि ये लेदर टाइप का आएगा, लेकिन ये लेदर टाइप का। आप इसकी हील देखो, इसकी पेस्टिंग देखो, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और जो इसका ये कटआउट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट शेप है, और ब्लैक कलर तो आपको पता ही है कितना सही होता है। और ये जो फ्रंट में ये जो बीच से जुड़ा हुआ है, कोई इलास्टिक नहीं, ये भी एक लेदर का ही है। इसकी हील जो मैंने आपको पहले दिखाई उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे लगता है पहन के बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप इसको डायरेक्टली ऐसे खींच के भी पहन सकते हो, क्योंकि बीच में आपको यहाँ देखिए तो यहाँ पे इलास्टिक है, ठीक है, आप चाहो तो इसको खोल के भी बार बार पहन सकते हो। तो चलो मैं इसको वियर करके बताती हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल रहेगी। गाइस इसका पीप लुक स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीप टो स्टाइल। आप देख सकते हो इसकी हील उससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन शेकी बिल्कुल भी नहीं है, कंफर्टेबल बहुत है। आप पूरा इसका लुक देखो, साइड से इसकी पेस्टिंग देखो, आगे से जो इसका लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है पहनी हुई। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। सबसे बड़ी बात रहती है फुटवेयर में कम्फर्ट, कम्फर्ट कितना है, तो इसका कम्फर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सही है। मेरी तरफ से तो थम्स अप है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ये वाली हील मैंने क्या सोच के मंगवाई है, मुझे पक्का पता है मेरे पैरों में बहुत ही बुरी लगने वाली है।
देखो ज़रा आप पिक्चर में देख ही सकते हो इसके क्या कलर हैं, और वेजेस तीन काफ़ी कंफर्टेबल होती है। मैंने कहा चलो मंगवा के देखते हैं क्या लुक क्वालिटी रहते हैं। तीन कलर्स में अवेलेबल हैं, इसमें ब्राउन कलर भी था, ब्लूइश एंड पिंकिश भी था। मैंने पता नहीं क्या सोच के चटक पिंक कलर मंगवाया। लेट्स सी कैसा रहता है। ऐसा लग रहा है आपने वाइट सैंडल को होली में पहन लिया होगा तो उसके ये हाल हो गए होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। बाबा ये इतनी शाइनी है ना, इतनी शाइनी, जिस रीज़न से मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये मैट होती ना तो मतलब मेरी पर्सनल लाइकिंग ज़्यादा होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाइनी है। आप इसकी वेजेस भी देख सकते हो, बाप रे काफ़ी ऊंची हैं। पीछे से भी देख सकते हो इसमें ग्रिप भी अच्छी खासी है, पेस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। पास से अगर आप ये देखो इस पूरे प्रोडक्ट को, काफ़ी सही लग रहा है ये। मैं वीआ करके बताती हूँ, वेजेस में क्या होता है पैर उतने दर्द नहीं होते, ग्रिप अच्छी बनी रहती है, हील हाइट भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कलर को लेके, मेरे पैर इतने सुंदर नहीं है कि ये हील मेरे पैरों पे अच्छी लगे, इसलिए मैं थोड़ी डाइसी हूँ। चलो पहन के दिखाती हूँ। आप हील हाइट देख ही सकते हो इसकी कितनी ज़्यादा अच्छी है, एंड 110% मैं अपने दिल से बात बोल रही हूँ कि मेरे पैर पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। बस आप देख, इसकी शाइन मुझे नहीं पसंद आ रही, बस आप इसकी हील देख सकते हो, ये वेजेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। बैक से देख सकते हो ये, इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको ये कलर वाइज अच्छी लग रही है या आपको कोई ड्रेस इस पे जा रहा है ऐसी मल्टी कलर ड्रेस, तो आप देख सकते हो। वैसे इसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जैसा दिखाया था एग्जैक्टली वैसे ही आया है, अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी काफ़ी सही है। बस ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि ये मुझे मेरे पैरों पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो या चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारी सैंडल है वो है रेट्रो वॉक वुमेन ब्लॉक हील्स। ये 673 रुपीज़ की है, मतलब इस बार की सारी रेंज मुझे लग रहा है 500 से ऊपर ही ऑर्डर किया या फिर मुझे दिखी इतना रही थी। मीशो पे रेट बढ़ रहे हैं, मतलब 700 की आप कह सकते हो। पिक्चर में काफ़ी सुंदर लग रही है, 3-4 कलर थे, मैंने पिंक मंगवाया, लेकिन समाओ ये पिंक कलर थोड़ा डिफरेंट आया, उतना चटक बबली कलर मुझे नहीं लगा। लेकिन जो अच्छी बात लगी मुझे, सेक्सी सी हील लग रही है, आप देख सकते हो कितनी अच्छा ट्रांसपेरेंट मटेरियल की ये हील है। इसकी पेस्टिंग भी काफ़ी सही हो रखी है, आगे से फ्लैट है, फ्रंट लुक देखो थोड़ा लेदर टाइप का पिंक है ये, मतलब होगा ये मतलब ऑब्वियसली फेक लेदर ही होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, हील शेक ना करे। आपको दिखे तो हर एक में ना कील ठुकी हुई आपको दिखी, एक नेल है इसमें, उससे पूरी ये चिपकाई गई है। बाकी मैं पहन के बताती हूँ, लुक वाइज तो एग्जैक्टली सेम लग रही है, कलर भी थोड़ा डल पिंक है, पॉप पिंक नहीं है। वियर करके बताती हूँ गाइज, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है पहनने में, आप इसका लुक एंड स्टाइल भी देख सकते हो। प्लस पॉइंट जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है वो लग रही है इसकी हील, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। कलर भी ठीक लग रहा है, उतना बबली पिंक नहीं है, लेकिन ये जो पिंक है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने में, बहुत डिफरेंट लग रही है। पेस्टिंग भी ठीक है, पैर बिल्कुल भी ऐसा शेक नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल भी बहुत है। ओवरऑल मुझे ये हील काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हो। अगर आपको किसी और कलर के ऑप्शन में जाना है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थम्स अप फॉर दिस वन। चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी स्लिपर है ना, इसका वाइट कलर है मेरे पास, वो मैंने कहीं और से मंगवाया था, एक मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था कि वाइट टू के इंस्पायर्ड हील, वैसी मुझे वाइट टू के इंस्पायर्ड हील मुझे यहाँ भी मिलती है तीन कलर में, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है, तो मैंने ब्लैक मंगवाया। ये प्लेटफॉर्म हील है सॉलिड ब्लैक कलर की, भाई इसको पहन के एकदम से लगेगा कि आप 3-4 इंच लंबे हो गए। एक बार आप ये देखो, ये आगे से भी इतना ऊंचा है, पीछे से भी इतना ऊंचा है, तो आपको जो हाइट मिलेगी ना वो ज़बरदस्त मिलने वाली है। प्लस आप इसकी ग्रिप की भी चिंता मत करो, अच्छी खासी आपको ग्रिप मिलेगी। थोड़ा देख सकते हो इसका मटेरियल, इसकी पेस्टिंग काफ़ी ठीक लग रही है, और ये ना डेली यूज़ मार्केट जाना हो, कुछ लहंगा लहंगा पहना है, हाइट चाहिए है, फुटवेयर्स नहीं दिख रहे हैं, ये बेस्ट रहते हैं सच में। और आज के लिए वाई टू के इंस्पायर्ड हील से बड़ी बड़ी बहुत चल भी रही है, बहुत लाइट वेट है, आपको लगेगा नहीं कि बहुत हैवी है आपको पैर में फील होने वाला है। बाकी काफ़ी ठीक लग रहा है, मैं आपको पहन के भी इसका लुक एंड फिट बताती हूँ। मेरे भाई ने इस हील का नाम दिया है बॉक्सर, आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ऊंची ये है, और बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है, हल्की भी है, और इंस्टेंट हाइट मिल जाएगी क्योंकि ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म है, और काफ़ी सही लग रही है। आप इसके पास से पेस्टिंग वगैरह देख सकते हो, बैक से आप इसका ग्रिप देख सकते हो, मुझे तो ये काफ़ी सही लग रही है, मैं इसको पहन के ना नाच भी सकती हूँ। बस एक बात है, अगर आपका एक बार पैर मुड़ा तो पूरा ऐसे मुड़ेगा, और शायद आपके पैर को कुछ हो भी सकता है कि अगर आपने यूँ पैर मुड़ गया तो इतना ऊंचा कि जब तक यूँ पड़ेगा तो चोट लग सकती, बस केयरफुल रहना पड़ेगा अगर आपने ये पहना हुआ है तो। बाकी ओवरऑल जैसा दिखाया वाई टू के हील, ये बिल्कुल वैसे ही है, काफ़ी सही है। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ।
सो जो हमारी नेक्स्ट हील है वो है, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें दो ही कलर अवेलेबल थे, मैंने ब्लैक मंगवाया है। पिक्चर में ना काफ़ी अच्छा लग रहा है, आगे से वी शेप और वो गोल्डन जो लगा है, जो एक्चुअल में मुझे रिसीव हुआ है ना, मुझे इसका मटेरियल थोड़ा पतला लग रहा है, शेप थोड़ी डिफरेंट है, और वो जो गोल्डन गोल्डन कलर लगा है ना, इसमें बहुत बड़ा और मोटा लगा है, उसमें काफ़ी अलग लग रहा है। मतलब 640 रुपये के हिसाब से मुझे देखने में ही वर्थ इट नहीं लग रही है। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये है, आप हील देख सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप फ्रंट लुक देखो, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, साइज तो 5 है, और ये ना इन्होंने बहुत पीछे लगाया है, उसमें ना बहुत अलग लग रहा है, उसमें क्लासी लग रही है, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है। पहन के भी चलो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसे पैर डालूंगी, ये इधर आएगा, तो मुझे ऐसे ही नहीं अच्छी लग रही, मतलब लुक सेम है ही नहीं, तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वैसे रिजेक्ट कर रही हूँ। फिर भी मैं आप लोग के लिए इसका पहन के मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ, और कैसी लग रही है, कम्फर्ट कितना है बताती हूँ। सी देखो, मैंने आपको बोला है ना कैसे आगे नोक जैसा पैटर्न है निकला हुआ, लुक वाइज ही मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बात करूँ कंफर्ट की, तो कंफर्ट ठीक है, हील मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो मतलब ना शेकी शेकी हो रही है। पीछे से आप देख सकते हो, स्ट्रैप भी ठीक है, एडजस्टेबल है, आपको जितना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन बात सारे लुक की है। फ्रंट मटेरियल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा ना हो कि मैं यूँ पैर रखूँ और ये आगे से क्रैक सा बनता जाए, तो मुझे ओवरऑल ये अच्छी नहीं लग रही है, जो दिखाया ये वो है नहीं, इसलिए नो फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, नेक्स्ट जो हमारी फुटवेयर है ना, वो सैंडल स्टाइल में फुटवेयर है, और इसका कलर भी ना प्यारा सा ब्राउनिश कलर है, और ये चप्पल सस्ती है, 363 रुपीज़ की है, कॉपर टोन की कंफर्टेबल हील इसका नाम है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये सैंडल स्टाइल है, मतलब ये वाले जैसे मम्मा वाले एज ग्रुप के लोग काफ़ी पहनना पसंद करते हैं, काफ़ी कम्फर्टेबल ये होती है। आप देखो फ्रंट से इसका ये कॉपर स्टाइल, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद आ रही है वो जो इसके स्ट्रैप में स्पार्कल यूज़ हुई है ना, ये पीचिश काइंड ऑफ है, थोड़ा लाइट कलर है, अगर इसको भी थोड़ा कॉपर कर देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, और सोल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, कंफर्टेबल सोल नहीं है, एंड जो इसकी पेस्टिंग है ना वो भी इतनी ज़्यादा फाइन नहीं है, लेकिन अगेन 350 रुपये के हिसाब से आपको ये मिल रहा है, अगर मैं तो देखूँ तो मुझे ओकेश लग रहा है। फ्रंट में बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, जो इलास्टिक पार्ट है वो सिर्फ ये है, ये वाला इसका स्ट्रैप थोड़ा सा इलास्टिक वाला है, बाकी देख सकते हो, पता नहीं इसका सोल कैसा हो, इस सोल का मैंने फुटवेयर कभी वियर नहीं किया है, बाकी मैं पहन के बताती हूँ कितना क्या कंफर्ट है, कैसी लग रही है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना है, तो ये इसलिए टाइट है, या ये है ही बहुत ज़्यादा टाइट, मतलब आपको लिटरली दिख रहा होगा मेरा पैर सब तरफ से ऐसे बाहर निकल रहा है, और बस इन स्ट्रैप्स ने उसको पकड़ के रखा हुआ है, बहुत टाइट है, पहनने में भी मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे लिटरली इसको बहुत खींचना पड़ा अपना पैर डालने के लिए, शायद ये लूज़ हो जाए विद टाइम, ऐसे स्लीपर्स ऐसी होती हों, लेकिन 350 रुपये के हिसाब से अगर आपको ये सैंडल्स मिल रही हैं तो ये पहनने में तो कम्फर्टेबल है। अब मुझे पेस्टिंग का नहीं पता कि क्या पता इसकी पेस्टिंग निकल जाए, आप साइडों से देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, ठीक लग रही है, ऐसी वाली सैंडल्स लाइक मम्मा वगैरह के लिए ठीक रहती है ना, ज़्यादा हील है, चलने में कंफर्टेबल रहती हैं, रेट के अकॉर्डिंग भी ठीक लग रही है, लुक भी अच्छा है, कॉपर लुक वाली सैंडल है, बस मुझे थोड़ा पैर डालने में दिक्कत हुई, मेरे पैर वैसे भी बहुत चौड़े हैं एज आई टोल्ड यू, बाकी शायद पहन के लूज़ हो जाए तब ईजीली निकल पाए, मैं आपको दिखाऊँगी अगर मैं इसे निकालूंगी भी, तो निकालना फिर भी आसान है एज़ कम्पेयर टू इसको पहनना, बाकी ठीक है, सही है, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी सैंडल है, आप देखो कितनी प्रिटी पिंक कलर की ये सैंडल लग रही है, रेट इसके हाई है, 730 रुपीज़ की ये सैंडल है, इसमें तीन कलर थे, प्यारा वाला ब्लू, पिंक एंड ब्लैक। ब्लू मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने पिंक मंगवाया, मुझे था कि बस ये ना वो थोड़ा वेलवेटी सूट मटेरियल होता है ना, और स्वेड मटेरियल, सूट मटेरियल क्या होता है भाई, गरिमा क्या होता जा रहा है, वैसा ना हो ठीक है, लेकिन जब इसका मटेरियल आया ना, ये बहुत अच्छा सा मटेरियल आया, काफ़ी डिफरेंट सा है, जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा ही। हील का स्टाइल देखो आप, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब पास से देखो आगे राइनस्टोन वाली बो बना रखी है, साइज़ बिल्कुल मेरा 38 है, पीछे से देखो, बस मुझे ये है कि इसकी ग्रिप अच्छी हो, ये मतलब स्लिप ना करे, ऐसे लाइन्स तो हैं, बाकी कलर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया है, इस वी जो ये शेप है ये भी काफ़ी सही लग रही है, हील भी काफ़ी ठीक है, बस शेकी शेकी ना हो, सब कुछ वियर करके बताती हूँ, वैसे तो क्यूट लग रही है रेट के अकॉर्डिंग।
गाइज इसकी बो मुझे टेढ़ी लग रही है, एक तरफ से ये टेढ़ी है, शायद इसको ऐसे कर मोड़ मोड़ के मैं ठीक कर पाऊँ या शायद ऐसे चिपकानी पड़े। बाकी आप देखो राइनस्टोन की बो लगा के पेस्ट की है और हील भी समहाउ ठीक है, उतनी शेकी तो नहीं हो रही है लेकिन थोड़ी बहुत शेकी तो है ही। आप देख सकते हो इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, वही बबली सा पिंक कलर, और पीछे के स्ट्रैप्स बस इसके ऐसे हैं कि आपने बस यूँ हटाया और इसको यूँ करके पहन लिया, ऐसे इसके स्ट्रैप्स हैं। हाँ कन्फ्यूज़ हूँ मैं थोड़ी इसके लिए भी, पेस्टिंग वगैरह तो काफ़ी ठीक लग रही है, ओवरऑल ठीक लग रही है, लेकिन जो मुझे कमी लग रही है ना, जितनी अच्छे से इसकी बो पेस्ट हुई हुई है ना उतनी ही अजीब इसकी बो है, ये ऐसे अलग ही उठ रही है, ऐसे टेढ़ी, मतलब ये लिटरली ऐसे थी और मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। अब मुझे दिखा भी कि यहाँ से सिलाई एक टाँका निकला हुआ है, टाँके से पेस्टिंग नहीं है, इसको दोबारा ऐसे चिपकानी पड़ेगी तो ये ठीक होगी। मतलब यार अगर आप 700-800 रुपये दे रहे हो उसके बाद भी आपको ऐसे जुगाड़ करने पड़े तो ना मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। इट्स बेटर कि आप मिंत्रा पे और अच्छे ऑप्शंस देख पाओ कि इसी रेंज में आपको काफ़ी ब्रांडेड स्लीपर्स मिल जाएगी जिनकी थोड़ी गारंटी भी होगी, इसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बाकी इट्स अप टू यू गाइस, मैंने काफ़ी सारी चॉइसेस दिखाई हैं जो ट्रेंडी ट्रेंडी मुझे मीशो पे दिख रही थी। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी हील है वो है सॉलिड ब्लैक मीडियम हील फॉर वुमेन, 330 रुपीज़ की है, ये भी हम 300 वाली रेंज में आ गए हैं शायद। आप इसके कलर ऑप्शंस देखो, इसमें ब्लैक है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्डन, रेड, तो मैंने ब्लैक मंगवाया। ये ऊपर से बिल्कुल वी शेप स्लिपर काइंड ऑफ पैटर्न है और है ये वेजेस। इसकी हील हाइट उससे तो कमी है लेकिन मुझे काफ़ी चीप सी लग रही है, पीछे से काफ़ी गंदी भी लग रही है कि किसी ने इसको वियर किया हुआ होगा। बाकी जो इसका ये वी स्ट्रैप है, आप इसके ऊपर जो स्पार्कल लगी वो देखो कितनी ज़्यादा डल स्पार्कल है, पीछे से कितनी ज़्यादा ये गंदी है। मुझे चप्पल बहुत ही चीप लग रही है, शायद इसका गोल्डन सिल्वर कलर अच्छा हो, रेड कलर अच्छा हो, लेकिन ब्लैक कलर उतना ही डल है। जितना शाइन इसमें होना चाहिए था ना, जितनी एक्स्ट्रा शाइन उस मल्टी कलर वेजेस में थी ना, वो इसमें होती तो अच्छी लगती और वो मैट होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी मैं वियर करके दिखाती हूँ आपको कैसी है। गाइज ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, मतलब मेरे अंगूठे में लिटरली इतना प्रेशर हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है ना इसको पहन के, अब तो साइज़ भी थोड़ी छोटी लग रही है, बहुत ही चीप लग रही है। मतलब मेरा मन कर रहा है मैं इसको अभी उतार दूँ क्योंकि ये मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, ये नेक्स्ट लेवल चुभ रहा है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल मत लेना। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हील है वो है ये आपके सामने ब्लैक वुमेन हील पम्प, 586 रुपीज़ की है। पिक्चर में जितनी सुंदर लग रही थी सामने से देखने में उतनी ही वाह याद आई है, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझे फ्रंट लुक देखो भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये चीज़ इतनी लंबी क्यों बना दे रहे हो, ये कहाँ जा रहा है, आप एक बार एक्चुअल पिक्चर में देखो उससे कितनी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। हील आप देख सकते हो भाई, इसमें इतना बड़ा किला घुसा हुआ है ना, एक बार आप देखो अगर आपको दिख रहा हो, दिख रहा है इसमें कील घुसी हुई, कितनी बड़ी सी कील है। बाकी आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट इसकी हील है, यहाँ ग्रिप लगी हुई है, ये इतनी ज़्यादा इसकी ग्रिप नहीं है, ये आप जितना चाहो उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी मुझे ओवरऑल लुक वाइज उतनी ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जो पिक्चर दिखाया उसका ये फर्स्ट कॉपी हो। बाकी मैं वियर करके बताती हूँ। गाइज ये पहले मुझे बहुत बुरी लग रही थी आगे से इसकी वी शेप, लेकिन अब पहनने के बाद इतनी बुरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है इसका फ्रंट मटेरियल, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, पेस्टिंग वगैरह भी काफ़ी ठीक है। आप देखो इसकी हील भी काफ़ी ठीक है, कोई शेकी तो हो ही नहीं रही क्योंकि ब्लॉक हील है, बिल्कुल अच्छे से चिपकी हुई है ना, उतनी ऊंची है, ओवरऑल मुझे ठीक लग रही है। राइनस्टोन भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, जो इसका लुक था पिक्चर में अभी एग्जैक्टली वैसी लग रही है। पहले देखते हुए मुझे अजीब सी चीप सी लग रही थी लेकिन पहनने के बाद रियलाइज़ हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, मटेरियल इतना बुरा नहीं लग रहा है पहन के। बाकी आप देख सकते हो उसका लुक, और ब्लैक कलर की है, काफ़ी कपड़ों पे जाएगी तो मतलब अप्रूव्ड है मेरी तरफ से। अब चलो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज आई जस्ट नोटिस जब मैंने इसको उतारा कि आप देख सकते हो यहाँ से पूरा ऐसे लेदर ये छिल चुका है, मतलब आप देखो ये बिल्कुल न्यू है और अभी इसके लेदर की ये हालत हो गई है, पहनोगे तब क्या होगा, मुझे तो अपने रिव्यूज़ बदलने पड़े। और ये बाल इसमें चिपका हुआ है, हाय हाय, अंदर से भी देखो, अब इग्नोर, नो 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 नो, खाली इस सुंदरता पे मत जाओ, इधर से भी देखो भाई। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारी बहुत ही प्रिटी सी है राइनस्टोन वाली रेड कलर की हील है, इसमें आप देख सकते हो ब्लैक, ये कॉपर, रेड और बेज, काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे, मैंने रेड मंगवाया। 590 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ी महंगी तो लग रही है मुझे,
देखो आप ज़रा लुक, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली सेम वैसी आई है। हील लेंथ भी ब्लॉक हील है, पेंसिल हील नहीं है, तो आई गेस ये उतना ज़्यादा शेकी शेकी नहीं होगी। पेस्टिंग भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, यहाँ से आप देख सकते हो इस तरफ से कैसे, और आप इधर देखो यहाँ से कितनी मोटी और लाइक पूरा एक ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप का बन गया है यहाँ पे, बहुत मोटी लग रही है। फ्रंट आप देख सकते हो राइनस्टोन वाला वो टेप आता है ना जिसमें राइनस्टोन टाइप के लगे होते हैं, ये पूरा वो टेप लग रहा है कि पूरा वो टेप लगाया हुआ है। बाकी मैं वियर करके देखती हूँ कैसी लग रही है, रेट के अकॉर्डिंग थोड़ी महंगी तो लग रही है लेकिन बाकी देख के बताती हूँ। पेस्टिंग वगैरह के हिसाब से भी सब कुछ वियर करके बताती हूँ। गाइस जिन लोग के पैर आगे से चौड़े हैं उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं बनी है, बाकी आप पीछे से देख सकते हो इसकी हील बिल्कुल भी शेकी नहीं है, ब्लॉक हील है, काफ़ी कंफर्टेबल है। बस मुझे यही लग रहा है कि मुझे आगे से ना ये काफ़ी टाइट हो रही है, मुझे लिटरली अपना पैर ऐसे घुसा घुसा के पहनना पड़ रहा है, और स्लीपर्स में से ऐसे भी कोई पर्टिकुलर आवाज़ तो नहीं आ रही है चलने में। बाकी ओवरऑल जैसा दिखाया गया था बिल्कुल वैसी है, लेकिन बस ये है कि इन स्लीपर्स में होता ही ना ऐसा होती है क्योंकि आपका पैर तो यहाँ ये ऐसे होती रहेगी और बहुत टाइट है, मुझे तो मैंने लिटरली ऐसा पैर आगे डाला है, बहुत ही आगे ये स्टेप है, मतलब टो पे आ रहा है बिल्कुल आपके, ये आप देख सकते हो ठीक लग रही है। ओके मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज उसको लेके कि मतलब वर्थ इट है भी इसको लेना या नहीं, लेकिन कुछ लोग को अगर ये चाहिए है लुक के साथ मैच हो रहा है तो आप देख सकते हो, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। ब्यूटिफुल वुमेन्स वाइट हील सैंडल, आप देखो जैसी ये दिखाई थी सम हाउ वैसी ही मुझे ये सामने रखी हुई दिख रही है। 640 रुपीज़ के सैंडल है और जैसा मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ वी नहीं है, लुक में प्यारी लग रही है, और आप इसकी हील भी देख सकते हो सेम है जैसे ब्लैक वाली मैंने आपको दिखाई थी, उतना बड़ा कीला अंदर आपको इसमें भी दिख जाएगा, एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे भी। ये दो राइनस्टोन काफ़ी अच्छे लग रहे, दो राइनस्टोन स्टोन इसमें हाफ ये ट्रांसपेरेंट है और ये वाइट है। पेस्टिंग इसकी ओकेश है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, अगर आप पास से देखो तो आपको ये पूरी लाइन दिख जाएगी कि इसकी पेस्टिंग कैसे है। बाकी मैं पहन के भी इसका कम्फर्ट बताती हूँ कितना क्या कैसा है कैसी लग रही है। गाइस आप देखो जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली सेम ये वैसी आई है, कम्फर्टेबल भी बहुत है, हील बिल्कुल भी शेकी इसकी नहीं कर रही है। लुक आप देख सकते हो इसकी, आप पेस्टिंग देख सकते हो, कलर कॉम्बो देख सकते हो, ये राइनस्टोन की क्वालिटी बहुत सही है, ठीक लग रहा है मुझे। बाकी आप देख सकते हो इसके दो कलर ऑप्शन हैं, आपको जौन सा सही लग रहा है वो ओवरऑल ओके है, कुछ ज़्यादा बुराई वाला फैक्टर नहीं है जो मैं इसकी बुराई करूँ। चलो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो दैट्स इट, वो तो मेरी लास्ट सैंडल थी, तो ये थी मेरी सारी की सारी 17 सैंडल्स हील वाली पम्प पीप टोस जितनी मैं कवर कर पाई वो सारी। ओवरऑल देखने में सारी बहुत सुंदर लगती है गाइस, लेकिन जब बात कंफर्ट और आती है ना लाइक कितना चलेंगी तो उसमें ना आके थोड़े मैं डाइसी हो जाती हूँ, कंफर्ट उतना ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है, काफ़ी बार पेस्टिंग देखने में इतनी बुरी हो जाती है और काफ़ी बार वो इतना ज़्यादा नहीं चलती। आप एक दो पार्टी एक दो फंक्शन में चल लोगे, एक आध घंटा पहन लोगे यार लिटरली पेंसिल हील्स बोल जाती हैं। तो मेरा आपसे बस यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको हील्स लेनी है गो फॉर मिंत्रा, क्या अगर आप एक ही हील लो थोड़ी ब्रांडेड हील लो जो स्टे करे। मीशो से हील्स लेना मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगी, आप वेजेस देख सकते हो, आप सैंडल्स देख सकते हो, कोई ऐसी फुटवेयर देख सकते हो जिसमें पेंसिल हील ना हो या फिर ब्लॉक हील हो। पेंसिल हील के लिए लाइक अच्छी क्वालिटी और वो होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप कहीं पहन के गए कहीं भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी इट्स अप टू यू, आपका मन कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ड्रेस से मैच हो रही है, थोड़ी देर पहनना है, वो आपकी चॉइस है। सो बाकी यही था, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी चॉइसेस अच्छी लगी होंगी और मेरी आवाज़ से आप इतना इरिटेट नहीं हुए होंगे, एंड थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी हील कौन सी लगी, मेरे पैरों पे नहीं वैसे आपको सबसे ज़्यादा अच्छी हील सैंडल कौन सी लगी, कमेंट ज़रूर करना, और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी कमेंट ज़रूर करना। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय बाय गाइज, आई लव या।